Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अपने चैनल में आपको वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह एक और वीडियो एक और फॉल्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज हमारे पास जो टीवी आया है उसका फॉल्ट आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। जैसा कि तस्वीर में नज़र आ रहा है कि बहुत ही छोटा डिस्प्ले आ रहा है टीवी का, ऊपर से और नीचे से ब्लैक है और सेंटर में थोड़ा सा डिस्प्ले नज़र आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इस टीवी को ठीक करेंगे, इसका फॉल्ट को ट्रेस करेंगे और आपको साथ साथ ये भी बताएंगे कि इसके कौन से सेक्शन का ये फॉल्ट है। तो ये सब बातें हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। असल में मेरी आज की ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन है, ताकि आपको समझाया जा सके कि मुमकिन तौर पर इस किस्म के फॉल्ट की क्या वजूहात हो सकती हैं। बेशक ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट हो सकता है, लेकिन इसी फॉल्ट के रिलेटेड कुछ एक दो बातें मैं आज आपको इस वीडियो में ख़ास तौर पर बताना चाहता हूँ, जो कि इस किस्म के फॉल्ट में आपको टीवी रिपेयरिंग करते वक्त मदद देंगी। अगर आप अच्छी तरह गौर से मेरी ये वीडियो देखेंगे तो आज की ये चंद जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपको टीवी रिपेयरिंग के काम में काफ़ी मदद देंगी और आपको टीवी का फॉल्ट ट्रेस करना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आसान अल्फाज में समझा सकूँ। सब बातें जो हैं आप बस कोशिश करें कि गौर से इस वीडियो को देखें। तो हमने अब इसका जो है किट को बाहर निकाल लिया, इस टीवी का जो बोर्ड है उसको बाहर निकाल लिया है। बाहर निकालने के बाद मैं अभी आपको इसको ज़ूम करके दिखाता हूं कि एक तो मुमकिन तौर पर वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट हो सकता है, ठीक है मान लिया, लेकिन इसके अलावा इसका जो दूसरा फॉल्ट मुमकिन तौर पर दूसरा फॉल्ट हो सकता है वो इसकी आउटपुट सप्लाई की वजह से भी हो सकता है। आउटपुट सप्लाई में किस तरह ये फॉल्ट होगा वो बात मैं अभी आपको बताता हूँ। आप देख रहे हैं किट में ये इसकी आउटपुट सप्लाई हैं, चार किस्म की आउटपुट सप्लाई हैं, यानी कि चार डायोड लगे हुए हैं आउटपुट में। तो इसके चार किस्म की आउटपुट सप्लाई हैं, जिनमें से सबसे पहली 110 वोल्ट की सप्लाई है, उसके बाद 26 वोल्ट की सप्लाई है जो कि वर्टिकल आईसी को ही ड्राइव करती है, तीसरी सप्लाई 12 वोल्ट की है और चौथी सप्लाई साउंड आईसी के लिए होती है। चौथा जो डायोड है वो चौथी सप्लाई है, वो तकरीबन 14 से 15 वोल्ट की होती है तो वो साउंड आईसी को ड्राइव करती है। इसमें जो मैं आपको ख़ास तौर पर आज बात बताना चाहता था कि मुमकिन तौर पर कौन सी सप्लाई के ख़राब होने की वजह से ये फॉल्ट पैदा हो सकता है, और सिर्फ यही फॉल्ट, एक फॉल्ट जो डिस्प्ले कम होने वाला है, सिर्फ यही नहीं बल्कि दो तीन जो हैं वो फॉल्ट पैदा हो सकते हैं मुमकिन तौर पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज की इस वीडियो में, आप गौर से देखें। इसका जो तीसरे नंबर वाला डायोड है यानी कि 12 वोल्ट की जो आउटपुट सप्लाई है, ये 12 वोल्ट की आउटपुट सप्लाई सिस्टम आईसी और ट्यूनर वगैरह और प्रोम आईसी यानी कि मेमोरी आईसी इसका जो है उसको जो है वो ड्राइव करती है। तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ पर कम अज़ कम जो है मिनिमम भी 10 वोल्ट रिक्वायर्ड होते हैं, मस्ट रिक्वायर्ड वोल्टेज जो हैं वो 10 वोल्ट हैं। तो बात असल में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप इस किस्म का डिस्प्ले का जो फॉल्ट हो तो उसको ट्रेस आउट करते वक्त इस फॉल्ट को भी आप चेक करना चाहिए आपको कि यहाँ पर वोल्टेज कितने आ रहे हैं। यहाँ पर मिनिमम जो है वो 10 वोल्ट रिक्वायर्ड हैं, तकरीबन 11-12 वोल्ट की ये सप्लाई होती है। बाज़ किटों में 12 वोल्ट आ रहे होते हैं, किसी में 11 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन मिनिमम आपको 10 वोल्ट यहाँ पर मस्ट रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि इस सप्लाई से जो आगे रेगुलेटर ड्राइव होता है वो आगे आउटपुट के तौर पर 9 वोल्ट देता है सिस्टम आईसी को। तो जब यहाँ पर 10 वोल्ट होंगे तो
तब जाकर वो रेगुलेटर जो है वो 9 वोल्ट दे पाएगा। अगर यहाँ पर 10 वोल्ट से ड्रॉप हो जाएंगे तो रेगुलेटर भी वोल्टेज ड्रॉप करेगा, जिसकी वजह से सिस्टम आईसी को वोल्टेज पूरे नहीं मिलेंगे और तस्वीर डिस्प्ले वगैरह में गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी। तो एक तो ये फॉल्ट हो गया। अगर 10 वोल्ट से एक आध वोल्ट कम हो जाता है यानी कि 9 वोल्ट हो जाते हैं, तो उस सूरत में भी ऐसा होगा, हो सकता है कि डिस्प्ले टीवी का कम हो जाए। और अक्सर ऐसा होता है, हमने प्रैक्टिकली इसको जो है वो तजर्बा किया है। हमारे पास काफ़ी केसेस आते रहते हैं जिनमें वर्टिकल सेक्शन के बजाय इसी सप्लाई का वोल्टेज कम होने की वजह से यही सेम टू सेम यही फॉल्ट आ रहा होता है, यानी कि डिस्प्ले कम आ रहा होता है। दूसरा, अगर मिनिमम जो है 10 वोल्ट चाहिए, 9 वोल्ट तक ड्रॉप होगा तो डिस्प्ले कम होगा। अगर 9 वोल्ट से भी यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो उसका ये होगा कि तस्वीर जो है वो हिलना शुरू कर देगी, ऊपर नीचे जो है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे दौड़ना शुरू कर देती है। तो वो फॉल्ट भी जो है इसी सप्लाई की वजह से होता है। और तीसरा जो फॉल्ट होता है वो उस सूरत में होगा जब यहाँ पर जो है सप्लाई 7 वोल्ट से भी ड्रॉप कर जाती है, मसलन 7.5 वोल्ट या 7 वोल्ट तक हो जाते हैं वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होने के बाद, तो उस सूरत में ये होगा कि आपका टीवी जो है वो देर से ऑन होगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बाद या घंटा बाद। जितने ज़्यादा वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो रहेंगे उतनी देर बाद जो है आपका टीवी जो है वो ऑन होगा। जब तक इसका कैपेसिटर फुली चार्ज होगा, यहाँ पर वोल्टेज अप होंगे आहिस्ता आहिस्ता जाकर, तब जाकर जो है वो टीवी ऑन होगा। तो इसका फॉल्ट क्या होता है सप्लाई यहाँ इस पर सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप होने की, उसका फॉल्ट ये कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर जब वीक होगा ये कैपेसिटर जो है रेक्टिफाई करता है, यहाँ पर जो वोल्टेज 12 वोल्ट आते हैं उनको रेक्टिफाई करता है। अगर ये कैपेसिटर वीक होगा तो रेक्टिफाई सही हो नहीं पाएगा, उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप होंगे और मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा, तस्वीर में गड़बड़ वगैरह का सामना करना पड़ेगा, मुख्तलिफ किस्म के फॉल्ट का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक चंद बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो में कि मुमकिन तौर पर क्या क्या फॉल्ट हो सकता है। तो अभी हम इस टीवी को चेक करते हैं कि इसका कहां पर फॉल्ट है, सप्लाई का फॉल्ट है या वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। तो हम इसकी सप्लाई चेक कर रहे हैं, यहां पर, यहां पर जो है 10 वोल्ट आ रहे हैं, तो यहां पर जो है 10 वोल्ट इसके ओके हैं, काम करेंगे। यहाँ पर हम इसका फॉल्ट को इमेजन नहीं करेंगे कि इसकी सप्लाई का फॉल्ट है, इसकी सप्लाई जो है वो ओके है, 10 वोल्ट कम से कम हमें रिक्वायर्ड होते हैं, 10 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसका यहाँ पर सप्लाई का तो फॉल्ट नहीं पाया गया है। इसका जो फिर दूसरा अल्टीमेट फॉल्ट होगा वो इसका वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट वही है। तो वर्टिकल सेक्शन में क्या चीज़ ख़राब होगी, तो कुछ लोगों के जहन में ये होगा कि वर्टिकल आईसी ख़राब होगा। नहीं भाई, वर्टिकल आईसी ख़राब नहीं होगा इस सूरत में, अगर डिस्प्ले कम आ रहा हो तो वर्टिकल आईसी ख़राब नहीं होगा। वर्टिकल आईसी ख़राब होने के लिए वर्टिकल लाइन आएगी बिल्कुल बारीक सी, उस सूरत में हम कह सकते हैं कि वर्टिकल आईसी ख़राब हो गया है। तो जब डिस्प्ले थोड़ा सा खुल रहा है तो ये वर्टिकल आईसी का फॉल्ट 95-96% जो है वो नहीं होता। तो ये वर्टिकल सेक्शन फॉल्ट ये वर्टिकल सेक्शन का होता है लेकिन वर्टिकल आईसी का नहीं होता, बल्कि इस कैपेसिटर का ये फॉल्ट होता है। ये आप एक कैपेसिटर देख रहे हैं यहाँ पर, इस कैपेसिटर की वजह से ये फॉल्ट पैदा होता है, जिसकी वजह से टीवी का डिस्प्ले सुकड़ जाता है, कम हो जाता है, सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। तो आपने ये कैपेसिटर देखा, अभी इस कैपेसिटर को जो है हम चेंज करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा रिकमेंडेड कैपेसिटर यूज़ करना चाहिए।
रिकमेंडेड कैपेसिटर कौन सा यूज़ करना चाहिए, ये भी काफ़ी प्रॉब्लम है। ये नहीं है कि जो मर्ज़ी आए कैपेसिटर ये निकाल के दूसरे लगा दें, ये बात नहीं होगी। तो अभी हम इसका जो है कैपेसिटर इसके बोर्ड से निकाल लेंगे। बोर्ड से निकालने के बाद इसका जो है कैपेसिटर हम रिप्लेस करेंगे। कैपेसिटर अब हमने निकाल लिया इसका, तो आप देख रहे हैं कि 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफराड का यहाँ पर ये जेन्युइन कैपेसिटर जो है, जेन्युइन था, इसमें अंदर लगा हुआ पहले चेंज नहीं हुआ हुआ था। तो इसमें 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफराड का यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर रिकमेंडेड कैपेसिटर कौन सा लगाना चाहिए? रिकमेंडेड तो यही है कि 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफराड से कम का नहीं लगाना, कम से कम 25 वोल्ट का होना चाहिए और बेहतर यही है कि 1000 माइक्रोफराड का ही इस्तेमाल करें। इससे कम इस्तेमाल करेंगे तो वो कैपेसिटर जो है वो जल्दी दोबारा से ख़राब हो सकता है। अगर ज़्यादा देर तक इस कैपेसिटर को यहाँ पर चलाना है तो बेहतर यही है कि आप 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगाएं। मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगाएं जो यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम करेगा और ज़्यादा देर तक चलता रहेगा ये कैपेसिटर। अगर आप 25 वोल्ट का ही लगाना चाहते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 25 वोल्ट का भी आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं खुद जो यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पर 35 वोल्ट का अक्सर यूज़ करता हूँ कैपेसिटर, जो कि मैंने तजर्बा किया है कि काफ़ी अर्सा ये कैपेसिटर यहाँ पर चलता रहता है और जल्दी ख़राब नहीं होता। बेहतर यही है कि आप 35 वोल्ट का लगाएं। अगर आप 25 वोल्ट का भी लगाते हैं तो कोई मसला नहीं, वो भी काम करेगा। तो अब हम दोबारा से टीवी को ऑन करके देखते हैं। टीवी ऑन हो गया हमारा, हमारा जो है वो और उसका डिस्प्ले जो है वो भी पूरा हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट टाइम के लिए खुदा हाफिज़। नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हम हाज़िर होंगे।